Hello student, welcome to your maths class. So today we will learn a new topic, that is subtraction. Subtraction, it is represented by minus sign. You can see that minus sign is a very small straight line. Okay, so whenever you see this minus sign, it means that you have to subtract or you have to find the difference between two numbers. Aap jabhi bhi ye minus sign dekhoge, तो आपको यही पता लगेगा कि आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है. ओके, सब्सट्रैक्शन इज द ऑपरेशन और प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. सब्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप क्या करते हो, दो नंबर्स के बीच में कितना फर्क है उसका हाँ क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं. ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आपको ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको ये आसान कर देती हूँ. ओके, so now let me tell you a very short story. John and Rita, they are best friend. Okay, so John have four mangoes, 1 2 3 4. तो जॉन के पास फोर मैंगोज थे. ठीक है, तो जॉन ने क्या किया, रीता को दो मैंगोज दे दिया, क्योंकि रीता उसकी फ्रेंड है ना. तो जॉन है फोर मैंगोज, ही गेव टू मैंगोज टू रीता. हाउ मेनी मैंगोज आर लेफ्ट विद जॉन, जॉन के पास चार थे, उसने रीता को कितना दिया, दो दिया. तो दो मैंगोज देने के बाद अभी जॉन के पास कितना मैंगोज बचा है, तो अभी हमें ये पता लगाना है ना कि पहले और अभी में जॉन के पास कितना मैंगो है. तो ये हम डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ सब्सट्रैक्शन. सो हम क्या करेंगे, फोर सबसे बड़ा नंबर है ना, तो हम हमेशा पहले बड़ा नंबर सबसे पहले लिखते हैं. ओके, सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद छोटा नंबर. हम बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को माइनस करते हैं. तो आओ हम क्या करेंगे, फोर लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4. फोर लाइन्स ड्रॉ किया, यानी ये फोर मैंगोस है. फोर मैंगोस में से उसने कितना दिया, रीता को दो मैंगोस दिया है ना. अब कितने बचे, 1 2. तो 4 - 2 किया तो कितने बचे, 2 mangoes. तो आंसर इज 2 mangoes. तो हमेशा बड़ा नंबर हम सबसे पहले लिखते हैं और छोटा नंबर नीचे लिखते हैं. ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, बड़ा नंबर से ही हम छोटे नंबर को माइनस करते हैं. तो आप, आई होप आप सबको ये वाला समझ में आ गया होगा. आई होप स्टूडेंट आपको ये लास्ट वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट्स कम टू अनदर प्रॉब्लम. आई हैव 9 bananas. What is banana? Banana is a fruit and it is very tasty. I have 9 bananas. I eat 6 bananas. How many bananas are left? Okay? मेरे पास 9 bananas थे और उसमें से मैंने क्या किया, 6 banana खा दिया. तो अभी बताओ मेरे पास कितना bananas बचे. So, let us draw a line. How many lines? 9 lines. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Let us count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 में से हम 6 bananas को माइनस कर देंगे. 1 2 3 4 5 6. चलो काट दिया 6 को. अब काउंट करते हैं हमारे पास कितना बचा. 1 2 3. देखो आंसर आया ना 3. 9 - 6 = 3. हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हाथों से भी इसको काउंट कर सकते हैं, है ना. चलो सब लोग अच्छे से देख लो. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तक. ठीक है, सब लोग अच्छे से देख लो. चलो 9 bananas काउंट करते फिंगर्स में. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 bananas. अभी 9 में से 6 bananas मैंने खा दिया. चलो 6 को यहाँ से माइनस कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक माइनस हो गया. अब बचाओ हमारे पास कितना बचा लाइंस, 1 2 3. 9 तक है ना, 1 2 3. देखो इजी है ना, आप ऐसे भी लाइन ड्रॉ को कर सकते हो और ऐसे भी काउंट कर सकते हो. चलो लेट्स मूव टू अनदर प्रॉब्लम. देयर आर 10 butterflies. व्हाट इज बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को हम हिंदी में तितली बोलते हैं. देयर आर 10 butterflies. 5 butterflies फ्लाई अवे. व्हाट इज 10 - 5. यहाँ पे तो डायरेक्ट पूछ दिया आपसे, 10 butterflies थे, 10 में से 5 उड़ के चले गए, हमारे पास कितना बटरफ्लाई बचा. सो हमें माइनस करना पड़ेगा. सो लेट अस राइट 10 - 5. ओके, सो 10 - 5. सो नाउ आई विल ड्रॉ 10 lines. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 lines.
सो मैं क्या करूंगी, 5 को माइनस कर दूंगी, 1 2 3 4 5। मेरे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5। सो द आंसर इज 5। कितने बचे, 5 बटरफ्लाइज। अगेन हम अपने हाथों से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है ना, 10 में से कितने बटरफ्लाइज उड़ के चले गए थे, 5 है ना। तो अब काउंट करो हमारे पास कितने हैं लाइंस, 1 2 3 4 5। कितना सिंपल है ना, इसलिए हम यहाँ पे बनाने के बजाय हम अपने हाथों के लाइंस को यूज कर सकते हैं ना। सो नाउ गीता हैज 7 बलून्स एंड सीता हैज 3 बलून्स, व्हाट इज द डिफरेंस। गीता के पास 7 बलून्स थे, सीता के पास 3 बलून्स है। अब हमें डिफरेंस पता करना है, डिफरेंस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो 7 माइनस 3, अगेन आई विल ड्रॉ 7 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो आई हैव ड्रॉन 7 लाइंस एंड आई विल माइनस 3 लाइंस, 1 2 3। सो हाउ मेनी लाइंस आर देयर, 1 2 3 4, राइट। सो द आंसर इज 4 है ना। सो चलो फिंगर्स के साथ काउंट करते, ओके, 7 लाइंस है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइंस है। 7 में से मैंने कितना लाइंस काट दिया, 3, 1 2 3 लाइंस काट दिया। अब बताओ यहां से लेके 7 तक कितना लाइन बचा, 1 2 3 4, 4 लाइंस बचा। ओके, तो ये वाला सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइंड द डिफरेंस। ओके, सो इसमें हमें डिफरेंस पता करना है, सो लेट अस फाइंड द आंसर्स। सो हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, 1 2 3 4 5, 5 बॉल्स है। हमें क्या करना है, 5 माइनस 3, तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान है ना। चलो काउंट कर, हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी 3 बॉल्स को ऐसे काट देंगे। तो कितने बॉल्स बचे, 1 2 2 बॉल्स है ना। कितना आसान है, चलो ये सॉल्व करते हैं। इसमें कितने हैं, 7 माइनस 6, चलो काउंट करते हैं कितने बॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉल्स है, 7 में से हम 6 बॉल्स को काट देंगे। चलो चलो 1 2 3 4 5 6, कितने बॉल बचे, 1 बॉल बचे, तो हमारा आंसर है 1। चलो अभी नेक्स्ट काउंट करते हैं, 5 माइनस 1, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से 1 बॉल को माइनस करना है, यानी 1 बॉल हम यहाँ पे काट देंगे। तो कितने बचे, 1 2 3 4, सो द आंसर इज 4। ओके, आंसर क्या आया, 4 आया। अभी हमारे पास ये 2 है, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये 2 क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व करें, ओके, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा अच्छे से। आई होप आप सबको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे, है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिस करना।